फ्रेंड्स, टुडे आई टीच यू ग्रामर स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 8 है प्रोनाउंस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस एंड जेंडर ऑफ प्रोनाउंस, एंड होमवर्क में था, डेफिनेशन दी थी प्रोनाउंस की। आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। एंड टुडेज वर्क है टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो यहाँ पर प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं वो तो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में सिर्फ एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। और वैसे तो 9 काइंड के होते हैं प्रोनाउन, और भी 9 होते हैं, 11 होते हैं, बट यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में वो एक है, पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन के आप डेफिनेशन में लिखिए, पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउन्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन का यूज किसी किन के लिए होता है, किसके साथ हो, पीपल के लिए और एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर्सनल जो प्रोनाउन है, इनमें प्रोनाउन के 3 जो है वो रूप हैं, फॉर्म्स हैं। तो वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये 2 फॉर्म्स यहाँ लिखी हैं। फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म और है सेकंड फॉर्म, और इसके बैक साइड में है थर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है इसका, एक जो फर्स्ट फॉर्म उसमें फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, द स्पीकर, मतलब जो बोलता है वो। सो उसमें आपका आता है आई मी वी, सॉरी आई वी मी अश, ये वर्ड यूज होते हैं, आई मी वी मी अश, ओके। सो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि द फर्स्ट पर्सन कौन है, सो द स्पीकर, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। तो इनके लिए जो यूज होते हैं आई हम आई वी मी अश। सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड पर्सन कौन होता है, द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू। अब जहाँ, यहाँ सेकेंड पर्सन का मतलब है जहाँ हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब 2 लोग खड़े हैं तो एक अगर बोल रहा है तो दूसरा वाला जो है वो सेकेंड पर्सन हो गया। तो उसके लिए यू या योर्स का यूज होता है, यू और योर्स का, यू और योर्स किसके हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, ओके। नेक्स्ट है स्टार्ट। फिर अगले थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या होता है, अब 2 लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। सो द पर्सन अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग, 2 लोग खड़े हैं, जैसे हम खड़े हो और आप खड़े हो, हम 2 बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, ओके। किसी नेक्स्ट जो हमें जानना तो वहां हो और ना ही कुछ भी, ओके। सो किसी तीसरे के बारे में, सो उसके लिए जब हम बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं, हिम शी हर दे देम इट। ये जो है वो, ये जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ओके। अब इन्हीं से एक्सरसाइज रिलेटेड ये आपको होमवर्क में करनी है, ओके। ये एसडब्ल्यू में है, यहाँ 5 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, इसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस, जो प्रोनाउन है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है एंड टिक द करेक्ट फॉर्म्स। और यहाँ पर ऑप्शन है ना, तो इसमें आपको यहाँ पर टिक करना है कि प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म होगा। सो फर्स्ट है यहाँ पे, शी टुक हर मेडिसिन आफ्टर द मील। अब यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है बिकॉज स्पेस कम है, इस वजह से फर्स्ट पर्सन आपको इस तरीके से लिखना है, फर्स्ट FIRST और PERSON, ऐसे सेकेंड SECOND और पर्सन की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ओके। ऐसे थर्ड पर्सन का, बट यहाँ हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। सो फर्स्ट है सी टुक, तो यहाँ पर जो क्या है, हर और शी, तो 2 प्रोनाउन है यहाँ पर, कौन कौन से हैं, सी एंड हर, और ये 2 जो है वो किस है, तो किस पर्सन के हैं, इसका फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड है, थर्ड। तो यहाँ पर टिक करेंगे, ये थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ऐसे ही आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल, आई जो है वो फर्स्ट का है, सेकेंड का है, थर्ड का, तो आप आई के नीचे अंडरलाइन करेंगे और ये फर्स्ट का है तो फर्स्ट पे टिक करें। फिर आगे नेक्स्ट है, वाई इज द डॉग वॉकिंग सो लाउडली, इज इट हंग्री। सो यहाँ पर इट जो आ रहा है ये आपका किसमें, थर्ड पर्सन में, तो यहाँ टिक 9 बनाएंगे अंडरलाइन और थर्ड पे टिक करेंगे। ऐसे 4 है, यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, आप जो यहाँ पे यू जो है वो सेकेंड पर्सन के, तो यू पे टिक करना है एंड यहाँ पे सेकेंड पर्सन। नेक्स्ट है, वी ऑन ए कैट नेम्ड स्नोबेल, यहाँ पर वी आया वर्ड, तो वी किसमें है, फर्स्ट पर्सन में, ओके। तो यहाँ वी के नीचे टिक एंड अंडरलाइन एंड फर्स्ट पे टिक करना, ओके। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। सो ये आपकी होमवर्क के लिए एक्सरसाइज, इसलिए मैंने फर्स्ट आपको करके बताया और नेक्स्ट आपको जो 4 रिमेनिंग है वो आपको घर से करनी है, ओके। आई होप